खरगोन जिले में गुरुवार को लाखों रुपए की महत्वपूर्ण सौगात का वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें कि खरगोन जिले में नवग्रह मंदिर के सामने 13,71,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद 7,500 स्क्वायर मीटर में सर्व सुविधा युक्त कलेक्टर भवन का निर्माण कराया, जिसमें तकरीबन 15 से अधिक विभागों को स्थानांतरित किया जाएगा। इस दौरान सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक केदार डाबर, सचिन बिरला, झूमा सोलंकी सहित जिला कलेक्टर अनुग्रहा पी, पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह सहित प्रशासनिक महकमा मौजूद रहा। लोकार्पण की इस बेला में बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से उद्योग धंधे स्थापित करने की बात पर दो उद्योग मैसर्स श्रीवरत पाली के प्राइवेट लिमिटेड सहित मैसर्स के एनडी फार्मा खल बुजुर्ग निमरानी का लोकार्पण भी वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री से संवाद करके किया गया। इस दौरान सांसद गजेंद्र पटेल ने लोगों को महत्वपूर्ण सौगात की शुभकामना दी। साथ ही जिला कलेक्टर ने आगामी समय में परिस्थितियों को देखते हुए साधन संसाधन बढ़ाने की बात कही है। खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। जो मंशाएं आप लोगों की थी, जो जनता की मंशाएं थी कि भाई भवन तैयार है और भवन में जल्दी उसका शुभारंभ भी हो जाए और उसमें काम भी शुरू हो जाए, परंतु पिछला एक वर्ष कोरोना जैसी वैश्विक संक्रमण में हमारा गुजरा, उसको लेकर हम लॉकडाउन के विषय में कहीं के सेवा काम में लगे हुए थे। इस कारण से इस नवीन भवन का हम लोकार्पण नहीं कर पाए, परंतु आज इस कोरोना संक्रमण में ही हमने कम संख्या में हमने कम लोगों को बुलाकर इसका लोकार्पण किया है। फिर भी हमारे साथ में हमारे क्षेत्र के सभी सम्माननीय विधायक, हमारे सचिन भाई, हमारे केदार भाई, झुमा सोलंकी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बालकृष्ण पाटीदार जी, हमारे बाबूलाल जी, हमारे कलेक्टर महोदय, हमारे एसपी साहब, शासन प्रशासन के सभी लोग आज उपस्थित हैं। और इसलिए इस अवसर पर मैं हमारे कलेक्टर महोदय को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि यहाँ से सुशासन के एक अच्छा काम शुरुआत हो, और इसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर यहाँ पर बैठने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी लोग उस काम की ओर, विकास की राह पर, विश्वास की राह पर चलने के लिए एक कदम उठाने के लिए तैयार खड़े हैं। बनाए गए हैं जिसमें हम कम से कम 15 विभाग जो है शिफ्ट करा रहे हैं, और भी ज्यादा शिफ्ट होंगे भविष्य में, इसमें क्या सभी जनता को जो है 15 विभाग की सेवाएं एक ही बिल्डिंग में जो है मिल सकती है। साथ साथ में हमारा कलेक्ट्रेट भवन में 60 KV का जो है सोलर पैनल लगाए हैं, जिसमें हमको 50,000 की जो है बचत होती है इलेक्ट्रिसिटी बिल में। हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है और पब्लिक के लिए ATM, कैंटीन और सुलभ शौचालय, पानी की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में है। ये जो है बिल्कुल फॉल्स न्यूज़ है। हमारे पास जब 100 सिलेंडर भरा हुआ जंबो सिलेंडर उपलब्ध था, फिर भी जो है ऐसे न्यूज़ इन्होंने छापे हैं। पब्लिक को कोई चिंता नहीं होना चाहिए, हमारे पास 500 जो है फुल सिलेंडर है और हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑक्सीजन के लिए। और यहाँ जो है आगे जाके हम ये प्लानिंग करेंगे, यहाँ कोई बस स्टैंड जो है बस स्टॉप दे देंगे और ऑटो स्टैंड बनाएंगे, और जैसे ब्रिज चालू हो जाती है तो और जो है लोगों को सुविधा हो जाएगी। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।